नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में एक छात्र का शव संदेहास्पद स्थिति में फंदे से झूलता मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें मृतक ने अपने आत्महत्या का कारण खुद का चरित्र खो देना बताया है। मृतक 15 वर्षीय मोनू कुमार बाढ़ मंडल के पंडारक थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के कोवाली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने गोपी नाम के एक लड़के पर भगाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर कोवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की और लड़के ने कोवाली थाने में सरेंडर कर दिया है। गोपी नाम का लड़का मेरी बेटी को लेकर इसको लेकर भगा दिया भाग गया है। अच्छा, नाबालिग लड़का ही है मेरा। अच्छा, और उसका हम लोग खोज रहे थे, थाना में भी हम लोग किए थे, मतलब उसका दिए थे, इस बार दर्ज किए थे। अच्छा ना, उसके बाद आज मिला है पाली थाना पर आवरी उसको। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों पर इलाज में बरती गई लापरवाही के कारण 18 वर्षीय एक युवती की मौत होने का आरोप लगा है। दरअसल खुटिया विशंभरपुर वार्ड नंबर 5 में रहने वाली शिवानी कुमारी को गले में कफ और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण बीते रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि रात में जांच करने आए डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन दिया, जिसके एक घंटे के भीतर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना शाम को ला लो, ठीक है, बढ़िया थी। सुबह में रात को खाई बढ़िया थे, सोई थी। सुबह में तारीख में किसी का ड्यूटी था, आया इंजेक्शन कोई दिया है, इंजेक्शन का बाद उसके बाद मौत हो गया। इंजेक्शन देने के बाद इंजेक्शन के बाद उसके बाद जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र में नदी में एक 32 वर्षीय अज्ञात युवक की शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हालांकि हत्या की आशंका जाहिर की है।